गाइस बात कर लेते हैं आज किया सोनेट की, जो बेहतरीन ऑप्शन में आपको अवेलेबल कराई जाती है। बहुत सारे इंजन ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं किया की GTX यानी GT लाइन वेरिएंट आप देख रहे हैं, जो कि GTX प्लस वेरिएंट है। ये ऑटोमेटिक में अवेलेबल है। तो सबसे पहले आप देखेंगे डे रनिंग लाइट्स यानी DRL, और यहाँ पर मिल जाएंगे आपको क्राउन LED हेडलैम्प्स। नीचे की तरफ आपको प्रोजेक्टर्स फॉग लैम्प्स अवेलेबल हैं। फ्रंट की तरफ आपको दो पार्किंग सेंसर्स भी अवेलेबल इस गाड़ी में मिल जाएंगे। और जो इस ग्रिल्स की बात करें तो यहाँ पर किया सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। GT लाइन वर्जन की आप बैजिंग फ्रंट में भी देख सकते हैं। शानदार गाड़ी से आगे से लग रही है, और कोई इशू आपको लुक के मामले में मुझे नहीं लगता कोई आपको इशू इस गाड़ी में होगा। फ्रंट में ये है, और राइट साइड की बात करें तो सेम वही लाइट्स, क्राउन LED लाइट्स, और यहाँ पर प्रोजेक्टर्स फॉग लैम्प्स आपको अवेलेबल हैं। तो ये हो गई फ्रंट की बात, और अब चलते हैं इसके टायर साइज की बात और बाकी साइड व्यू की बात कर लेते हैं कि गाड़ी साइड व्यू से कैसी है। तो यहाँ पर आप कैलिपर्स देख सकते हैं, रेड मिलेंगे आपको, जो कि GT लाइन वर्जन के अंदर है। और यहाँ पर R16 के आप टायर देखेंगे, जो कि क्रिस्टल कट अलॉय टायर्स आपको यहाँ पर, क्रिस्टल अलॉय यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, जो कि R16 में अवेलेबल है। यहाँ पर ऑटो की बैजिंग आप देख सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक वेरिएंट आप देख रहे हैं, और वो चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। साइड से कुछ इस तरीके की प्रोफाइल है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं आपको ORVM में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और नीचे की तरफ भी आप रेडिश, हर जगह रेडिश टाइप की टोन आप देखेंगे, जो कि GT लाइन वर्जन फेमस इस बात से है। यहाँ पर आपको पैसिव एंट्री गाड़ी में मिल जाती है। और अब चलते हैं पीछे की तरफ और बाकी सब चीज़ों की बात कर लेते हैं, जैसे कि टायर साइज की। सेम R16 के टायर साइज आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर भी रेडिश आपको टोन मिलेगी, जो कि GTX यानी कि GT लाइन मॉडल में आपको मिलती है। पीछे आपको ड्रम ब्रेक ही मिलेंगे, कोई डिस्क ब्रेक आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे। अब पीछे की लाइट की बात करें तो यहाँ पर हर्ड बी टेल LED लाइट्स आपको मिल जाती हैं, जो कि एक शानदार गाड़ी को लुक दे रही हैं। और आप पीछे से देख सकते हैं कितनी शानदार गाड़ी को लुक मिल रहे हैं। नीचे की तरफ बात करूँ तो इस तरीके का यहाँ पर लुक है, जो कि ड्यूल मफलर डिजाइन यहां पर किया सोनेट को दिया गया है किया के जरिए। और कुछ इस तरीके का आपको रेड कलर की टोन मिलेगी, यहां पर किया की बैजिंग, और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं बैक कैमरा अवेलेबल यहां पे है। और ऐसे एक पीछे का लुक आप देख सकते हैं गाड़ी को, कि एक पीछे का लुक इस टाइप का आपको मिलने वाला है। यहाँ पर भी सेम LED लाइट्स, जिनको किया ने बोला है हर्ट बीट LED लाइट्स, और यहाँ पर नीचे सोनेट की बैजिंग आप देख सकते हैं। नीचे कुछ इस टाइप की है, सेम मैंने आपको बताया ड्यूल मफलर डिज़ाइन आपको गाड़ी में आपको अवेलेबल मिल जाता है। यहाँ की बात करें तो बैक आपको वाइपर्स मिल जाते हैं, और डिफॉगर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं साथ साथ। और यहाँ पे आपको हाई माउंट LED लाइट्स मिल जाती है, जो ब्रेक लाइट्स होती हैं अवेलेबल। और शक्टिन एंटीना आपको टॉप में मिल जाता है, यहाँ पर नॉर्मल एंटीना आपको नहीं मिलेगा, शक्टिन एंटीना आपको मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके की पीछे से गाड़ी है आप देख सकते हैं। और यहाँ की बात करें तो सेम एक बेहतरीन गाड़ी को लुक बनाया गया है पीछे की तरफ, कोई इशू नहीं होने वाला आपको। पीछे से भी गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन गाड़ी लगेगी। यहाँ पर कुछ अलग सा डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया, जैसे इग्निस में दिया जाता है, कुछ इस तरीके का डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, तो गाड़ी में बूट स्पेस भी बेहतरीन है, यानी कि 392 लीटर्स का यहाँ पर बूट स्पेस आपको अवेलेबल मिल जाता है, जो एक काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस है इस गाड़ी का। और यहाँ पर बैक में लाइट भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी, यानी कि बूट लाइट आपको अवेलेबल है, काफ़ी ज़्यादा डीप स्पेस इसमें है। और अगर मैं टायर की बात करूँ, यहाँ पर डोनेट साइन टायर या स्टेपनी आप बोल सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये अलॉय में अवेलेबल नहीं है, ये रिम में ही अवेलेबल आपको मिलता है। तो कुछ इस तरीके का पीछे आपको यहाँ पर बूट स्पेस मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस इसमें है। तो कहीं आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं, उसमें भी कोई आपको इशू नहीं होने वाला है। सोनेट की यहाँ पर बैजिंग आप देख सकते हैं, साथ ही साथ GT लाइन वर्जन की बैजिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये GT लाइन वर्जन मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर लाइट्स आपको अवेलेबल पीछे की तरफ भी मिल जाती हैं, जो कि स्टॉक लाइट हैं। और यहाँ पर फ्यूल टैंक आपको अवेलेबल मिल जाता है, जो कि ये डीजल वेरिएंट है, और 1.5 लीटर के अंदर GTX वेरिएंट। यहाँ की बात करूँ तो क्रोम फिनिश वाले आपको हैंडल्स मिल जाते हैं, उससे भी रिलेटेड कोई आपको इशू नहीं होने वाला, एक एग्रेसिव और एक बेहतरीन गाड़ी लुक देती है। और यहाँ पर भी टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं ORVM में। तो कुछ इस तरीके की है गाड़ी किया सोनेट, जो कि आपने आउटर लुक सारा देख लिया, आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ें कहाँ पे अवेलेबल हैं और गाड़ी कैसी नज़र आती है, एक बोल्ड एग्रेसिव गाड़ी है। चलते हैं किया सोनेट के अंदर और इंटीरियर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पैसिव एंट्री आपको मिल जाती है इस गाड़ी में, और अंदर चले सबसे पहले आपको यहाँ पर हाइट एडजस्टमेंट के साथ साथ बैक एडजस्टमेंट तो है ही, और GT लाइन वर्जन की ये सारी फिनिशिंग आपको मिल जाएगी। इधर साइड भी कुछ फिनिशिंग आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको कुछ ड्राइवर्स कंट्रोल मिल जाएंगे, उनके बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं अंदर की तरफ।
यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको स्मार्ट की ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, जिसमें चार ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, लॉक, अनलॉक, और इससे आप अगर प्रेस कर रखेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी बाहर से भी, और ये हुड या आपको बूट खोलने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब चलते हैं MID की तरफ। MID में आप देख सकते हैं ये कुछ फंक्शंस आपको अवेलेबल हैं, क्या क्या चीज़ें हैं मैं बता देता हूँ। सारे MID के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर से मिलते हैं, और ये MID के कंट्रोल्स देख सकते हैं आप, फ्यूल इकोनॉमी और ये सब चीज़ें यहाँ पर, डायरेक्शंस, टायर प्रेशर और एवरेज, और ये सब चीज़ें आपको दिखाएगा कि गाड़ी कितनी चलनी है, कितनी किलोमीटर्स एम्प्टी है और कितना फ्यूल इसमें अवेलेबल है। तो ये सब चीज़ें होने के बाद इधर की तरफ बात करें तो यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ यहाँ पर आपको मिल जाता है RPM मीटर, राइट साइड में आपको मिल जाता है फ्यूल गेज, और साथ ही साथ यहाँ पर जो कूलेंट का टेम्परेचर होता है वो मिल जाता है, और जो स्पीडोमीटर है वो यहाँ पर डिजिटल है। ये गाड़ी ऑटोमेटिक है, GT लाइन वर्जन आप देख रहे हैं, तो P मतलब पार्किंग मोड में अवेलेबल है, अभी पार्किंग मोड में खड़ी है गाड़ी। तो ये सब चीज़ें हैं MID के बारे में। बाकी MID में कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि आपको सारे वार्निंग लाइट्स, जो नॉर्मल फीचर्स होते हैं वो सारे दिखा देगा। एक बार मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि MID का लुक कैसा है। कुछ इस तरीके का MID का आपका लुक मिलेगा जब आप गाड़ी पहली बार स्टार्ट करेंगे, और एक बेहतरीन लुक यहाँ पर दिया गया है इसके MID को। तो ये सब चीज़ें हैं MID में। और अब चलते हैं राइट की तरफ, यानी कि अब चलते हैं इसके स्टेरिंग की तरफ। स्टेरिंग में क्या क्या चीज़ें आपको मिल जाती है, सबसे पहले बता दूँ, फ्लैट बॉटम स्टेरिंग आपको यहाँ पर मिल जाता है, और उसके लिए आपको यहाँ पर GT लाइन वर्ज़न अवेलेबल है, देखिए, क्योंकि GT लाइन वर्ज़न है। और यहाँ पर आपको किया की सोनेट की बैजिंग, और इधर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं सारे इंफोटेनमेंट के कंट्रोल, जो यहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंट्रोल करेगा। राइट साइड में आपको MID के साथ साथ यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल का अवेलेबल भी मिल जाता है, मतलब ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप क्रूज़ कंट्रोल और साथ ही साथ यहाँ पर से आप MID के कंट्रोल्स कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं MID से रिलेटेड। बाकी लेदर रैप स्टेयरिंग है, जो कि GT लाइन वर्जन है, तो आपको रेड एक फिनिश यहाँ पर हर जगह आपको अवेलेबल मिलेगी। इधर साइड आप देख पा रहे होंगे ऑटो के साथ आपको फ्रंट के लाइटिंग एडजस्टेबल है, मतलब आप ऑटो में भी ऑन कर सकते हैं और नॉर्मली मैनुअली भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वाइपर्स भी कंट्रोल हैं, जो कि ऑटोमेटिक में अवेलेबल नहीं है, मैनुअली आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं इसके स्टेयरिंग के बारे में। अब चलते हैं राइट की तरफ। यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है, और ट्रैक्शन कंट्रोल अवेलेबल है, पार्किंग अवेलेबल है, साथ ही साथ फ्रंट के लाइट्स की एडजस्टमेंट अवेलेबल है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ORVM, जो कि आप यहाँ पर से कंट्रोल्स कर सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ पर कुछ पावर विंडो के ऑप्शन, लॉक अनलॉक की फैसिलिटी आपको यहाँ पर अवेलेबल है। इधर आप डोर अनलॉक की, लॉक और अनलॉक की फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा डिज़ाइन है, हालांकि ट्विटर नहीं है, ट्विटर आपकी प्लेसमेंट यहाँ पे है, और बहुत बेहतरीन यहाँ पर आपकी इसकी प्लास्टिक क्वालिटी है। प्लास्टिक क्वालिटी से रिलेटेड भी आपको इसमें कोई इशू नहीं होने वाला। यहाँ पर बहुत बढ़िया कुशनिंग आपको मिलेगी, जो कि लेदर रैप है, और यहाँ पर आपको GT लाइन वर्जन की एक ब्रांडिंग जो रेड कलर की स्ट्रिप आपको मिल जाती है। तो बात कर रहे थे ड्राइवर साइड कंट्रोल की, सारे लॉक अनलॉक की फैसिलिटी, साथ ही साथ ORVM एडजस्टर यहाँ पर आपको अवेलेबल है। अब यहाँ पर क्वालिटी की बात करें तो किया ने कहीं भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बेहतरीन क्वालिटी हर जगह मिली है। AC वेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। MID की मैंने सारी बात बता दी आपको। तो बात कर लेते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की, जो कि हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। वॉइस कमांड का फीचर्स यहाँ पर है, और वॉल्यूम अप डाउन यहाँ पर मिल जाता है, मोड आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे आपको सारे नेविगेशन से रिलेटेड कंट्रोल्स और रेडियो से रिलेटेड कंट्रोल सारे आपको यहाँ पर, और बाकी यहाँ पर देखिए अब नेविगेशन ऑटोमेटिक चल रहा है, और कुछ नेविगेशन कंट्रोल आपको यहाँ पर भी दिखाएगा जब वो गाड़ी रन करेंगे। और इधर की बात करें तो यहाँ पर हैजार्ड लैंप्स आपको मिल जाते हैं, नीचे की तरफ दो AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं, और ये AC कंट्रोल्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं जो ऑटोमेटिक के साथ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक AC कंट्रोल आपको मिल रहा है। तो इधर की बात करें तो यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, जो वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है, व्यू मिल जाता है, जो बैक के टाइम पे भी आप व्यू देख सकते हैं, और फ्रंट में जब गाड़ी चला रहे हैं तब भी बैक का व्यू देख सकते हैं। ड्राइव्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको कौन कौन से मोड्स आपको अवेलेबल हैं, स्पोर्ट्स मोड, इको मोड, नॉर्मल मोड, स्पोर्ट मोड यहाँ पर अवेलेबल हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पर अवेलेबल है, दोनों साइड की सीटेड वेंटिलेशन सीट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, और नीचे की तरफ बात करें तो थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर मिल जाता है, जो कि शायद ये एक वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर अवेलेबल है। इधर की तरफ बात करो तो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, यहाँ पर USB सॉकेट, और यहाँ पर एक फास्ट चार्जर अवेलेबल है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाता है। ऑटोमेटिक गाड़ी है तो यहाँ पर P में गाड़ी अवेलेबल है, अभी R&D ऑप्शन आपको अवेलेबल है यहाँ पर। और इधर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक अवेलेबल है, थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पर बॉटल होल्डर का अवेलेबल है। इधर की बात करूँ तो सीट काफ़ी कुशनी है और काफ़ी कम्फर्ट है, तो GT लाइन वर्जन में ये आपको इशू कोई स्पेशली नहीं होने वाला। काफ़ी वाइड यहाँ पर आपको सीट्स अवेलेबल हैं। उधर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बोस के साउंड सिस्टम मिल जाता है, जो कि 7 स्पीकर्स के साथ है, और एयरबैग की फैसिलिटीज़ में अवेलेबल है, ट्विटर्स वहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। इधर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाता है IRVM, जो UVO फीचर्स के साथ हैं, जिसमें आप ऐप कनेक्टेड है, और यहाँ पर ऑटो डिमिंग के साथ ही अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पर
कुछ ऑप्शंस आपको SOS ये सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है जो आप यहाँ पर से देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी सनशेड यहाँ पर अवेलेबल हैं जिसमें मिरर्स भी हैं, इधर भी है, लेकिन इसमें मिरर्स आपको अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आपको मिल जाता है सनरूफ जो काफ़ी क्लासी गाड़ी को बनाता है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको वाइट सनरूफ मिल जाता है, मतलब कि काफ़ी चौड़ी है सनरूफ, कोई इशू नहीं है, वन टच ऑफ है, वन टच ऑन है, हालांकि ये आपको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये आप वन टच में इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर LED लाइट्स नहीं है अवेलेबल, हेलोजन ही अवेलेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई LED लाइट्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आपको मिल जाता है सनग्लास होल्डर जो कि आप देख सकते हैं, और ये चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। इधर आपको हैंडल अवेलेबल है जिसकी भी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, कि यानी कहीं भी फिनिशिंग या कहीं भी किसी चीज़ के मामले में, मतलब प्लास्टिक क्वालिटी के मामले में, या आप देख सकते हैं सीट्स कंफर्ट के मामले में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर GT लाइन वर्जन की ब्रांडिंग भी आप देख सकते हैं, जो रेड रेड सारी चीज़ें आप देखेंगे ये सिर्फ आपको GT लाइन वर्जन में अवेलेबल है। अब इधर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है आर्मरेस्ट का काफ़ी डीप तो नहीं है, हालांकि यूजेबल थोड़ी बहुत कॉइन वॉइन आप रख सकते हैं, बाकी ऐसे कोई यूजेबल नहीं है। यहाँ पर आपको एयर प्योरीफायर मिल जाता है, एयर प्योरीफायर इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो कि बैक्टीरिया और वायरस को किल करने के बहुत ज़्यादा किया ने दावा किया है। और इधर की तरफ बात करें, ये बताना भूल गया, आपको ग्लोव बॉक्स अवेलेबल है इसमें, और नॉर्मल ग्लोव बॉक्स है, इसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है आपको जो बताने वाली है। बॉटल होल्डर्स आपको सारी डोर्स पे अवेलेबल हैं, और जहाँ भी देखेंगे आप स्पीकर्स में बोस की ब्रांडिंग अवेलेबल है, जो कि 7 बोस के स्पीकर्स इसमें लगे हुए हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। और ऑटोमेटिक गाड़ी है, आप देख सकते हैं PR ND यहाँ पर अवेलेबल है। अब चलते हैं पीछे की तरफ और बाकी सब चीज़ों की बात कर लेते हैं कि पीछे क्या क्या चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं और पीछे से बैठने में कैसी है। मेरी हाइट्स 5'8" है, तो मैं अपनी हिसाब से हाइट को, सीट को एडजस्ट कर चुका हूँ। अब चलते हैं पीछे की तरफ। तो भाई पीछे की तरफ आ गया हूँ। पीछे की अगर स्पेस की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि पीछे स्पेस मैटर ज़रूर करता है आप जब लॉन्ग टूर पे जा रहे हो। तो यहाँ पर मेरी 5'8" हाइट और मैंने अपनी हिसाब से सीट एडजस्ट की है, तो अच्छा खासा लेग स्पेस मेरे को यहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही साथ 3 लोग आसानी से यहाँ पर बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला। अगर मेरी हिसाब से अगर मैं बात करूं अपने हिसाब से, तो 40-58 के आसपास अगर किसी की वेट है और ठीक ठाक हाइट है 5'8" के हिसाब से, तो आराम से 3 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। पीछे एयर प्योरीफायर इसमें लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है। एयर क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, स्मार्ट एयर क्वालिटी प्योरीफायर इसमें अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पर पीछे आपको AC वेंट अवेलेबल है। थोड़ा सा स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है जिसमें आप फ़ोन चार्ज करते वक्त फ़ोन अवेलेबल है या रख सकते हैं। इधर की तरफ सेम बोस के स्पीकर्स, बॉटल होल्डर्स अवेलेबल हैं, GT लाइन की आप बैजिंग के साथ साथ यहाँ पर ये चीज़ें देख सकते हैं कि ये रेड फिनिश आपको हर जगह GT लाइन में मिलेगी। इधर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है विद कप होल्डर्स, और ये आप बॉटल्स भी रख सकते हैं इसमें, बाकी कप भी रख सकते हैं, कोई इशू आपको इससे रिलेटेड भी नहीं होने वाला। सीट्स काफ़ी आरामदायक हैं, सीट से कोई दिक्कत नहीं है। पीछे पार्सल ट्रे आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन गाड़ी बनाई गई है किया के द्वारा, और कोई आपको इशू इससे रिगार्डिंग कोई इशू आपको नहीं मिलेगा। अब चलते हैं बाहर की तरफ और सारे प्राइसिंग से रिलेटेड बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको सनरूफ पीछे से दिखा दूं, कुछ इस तरीके से यहाँ पर सनरूफ मिलती है, और पीछे भी एक आपको हेलोजन लाइट्स अवेलेबल हैं। तो चलते हैं बाहर की तरफ और इसकी प्राइसिंग की सारी बात कर लेते हैं। तो गाइज आपने देखी किया कि सोनेट जो कि मॉडल है GTX+ यानी कि GT लाइन का ये वेरियंट है, 1.5 CRDI VGT6 ऑटोमेटिक गियर के साथ, और यहाँ पर ये मैनुअल में भी आपको अवेलेबल है। तो गाइस अब करते हैं इसकी प्राइसिंग की बात। तो यहाँ पर ऑफिशियली अभी जो GT लाइन वर्जन है उसकी प्राइसिंग अनाउंस नहीं हुई है। अगर आपको मैं अप्रॉक्स आइडिया बताऊँ तो 14 से लेके ये 14.5 यानी कि 14 से 14.5 लाख के बीच में ये पड़ेगी आपको, यानी कि 14 लाख से लेके 14.5 लाख के बीच में आपको ये गाड़ी पड़ेगी, जो कि ऑटोमेटिक वेरियंट के साथ बता रहा हूँ मैं। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपने बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में।